के बाद उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि शायद आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएं। उसने कहा कि अगर आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोगों की जान अवश्य बच जाएगी, क्योंकि गुफा में बहुत सारे सिद्ध अतिसिद्ध महात्मा रहते हैं। वे लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे बस्ती में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं गुफा का द्वार दिखाता हूँ। फिर क्या था, बिना कुछ बोले या दिमाग पर जोर डाले हम लोग उस प्रेत के पीछे हो लिए। कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ ऊंचाई पर एक गुफा की आकृति दिखी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक छेद दिख रहा है, आप लोग उससे गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करें। हम सभी लोग उस प्रेत की बात सुनकर हतप्रभ हो गए। हम लोग कोई छोटे मोटे जीव, सांप, बिल्ली आदि हैं क्या कि इस पतले छेद से अंदर जा पाएंगे? शायद वह ब्रह्म प्रेत हमारे मन की बात जान गया। उसने अट्टहास किया और बोला, अरे डरिए मत, यह अलौलिक द्वार है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पुण्य किया है या अच्छे इंसान होंगे तो इस पतले छेद के पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर, नमस्कार करने पर यह छेद अपने आप लोगों को मार्ग दे देगा। हम साथियों ने इशारे ही इशारे में एक दूसरे की सहमति लेकर उस पतले छेद के पास पहुंचे। फिर क्या था, हम लोग झुककर उस छेद को प्रणाम किए। अरे यह क्या चमत्कार हो गया, और वह पतला छेद एक बड़े आकार में बदल गया। फिर हम लोगों ने उस प्रेत महानुभाव को नमस्कार व विदा करते हुए उस गुफा में प्रवेश कर गए। अनोखी, अद्भुत, अलौकिक, स्वर्गिक गुफा, जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। गुफा में हम लोग ज्यों-ज्यों अंदर बढ़ते गए, हम लोगों की थकावट दर छूमंतर होते गए। एक ऐसा आनंद जो शायद आनंद की पराकाष्ठा हो। अब भले हम लोगों के साथ जो भी हो, पर हमारा मनुष्य जन्म सफल हो गया। हम लोगों को इस बात का भी गर्व हो रहा था कि वास्तव में हम लोग अच्छे इंसान हैं, तभी तो इस गुफा ने हमें अंदर आने के लिए मार्ग दे दिया। खैर, मैं भी अब इस अनोखी, रहस्यमयी, सभी सुखों को देने वाली दिव्य गुफा में रहना चाहता हूँ और परमानंद की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं ऐसा करूँ इससे पहले मेरा फर्ज यह भी है कि मैं अपने श्रोता महानुभावों के लिए इस कहानी को पूरा करूँ। गुफा में और कुछ अंदर जाने पर अचानक इन लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से इन्हें जंगली हिंसक पशु आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कभी उफनती नदी इन्हें बाहर ले जाने का प्रयास कर रही थी, तो कभी प्रज्वलित आगे बढ़ती अग्नि इन्हें जलाने का, पर यह सब माया जैसा ही लग रहा था, क्योंकि न वे हिंसक पशु इन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे और न ही नदी इन्हें भिगो रही थी और न ही अग्नि इन्हें जला रही थी। इस हिम्मती दल ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक महात्मा दिखे, जिनका शरीर दिव्य था। पूरे शरीर से आभा निकल रही थी, मस्तक सूर्य जैसा चमक रहा था, चेहरे पर एक अतुल्य रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी और वे दिव्य महात्मा धीरे धीरे चहल कदमी कर रहे थे। हम लोग सहम गए और हाथ जोड़कर जहां थे वहीं खड़े हो गए। फिर क्या हुआ कि उस दिव्य महात्मा ने हमें और अंदर आने के लिए कहा और बिना कुछ बोले गुफा में एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया। उस गुफा की सबसे रहस्य अलौकिक बात यह थी कि जिस किसी को जितनी जगह चाहिए थी वह अपने आप मिल जाती, बन जाती थी। जैसे ही हम लोग बैठने लगे, पता नहीं कहां से हमारे बैठने वाली जगह पर खूबसूरत व आरामदायक बिस्तर बिछ गए। फिर उस महात्मा की सौम्य आवाज सुनाई दी, मनुष्य लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं और काफी देर से परेशान हैं। आप लोगों को भूख और प्यास भी खूब लगी है। आप लोगों को रास्ता बताने से पहले हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि
आप अतिथियों की सेवा करूं। इतना कहने के बाद उस महात्मा जी ने वहीं पास में उगी तुलसी माता के कुछ पत्तों को तोड़ा और हम पांचों के सामने एक एक रख दिए। फिर क्या था, एक नया रहस्यमयी चमत्कार। मिनटों नहीं लगे उस तुलसी पत्ते को खाली गिलास स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील होने में। सबसे अनोखी बात यह थी कि हम सबके थाली में अलग अलग व्यंजन थे, यानी हमारे मन में उस समय जो खाने की इच्छा हो रही थी उन्हीं व्यंजनों से हम लोगों की थाली भरी पड़ी थी। फिर क्या था, उस दिव्य महात्मा का आदेश मिलते ही हम लोगों ने छक छक कर उस दिव्य प्रसाद का आनंद उठाकर पूरी तरह से तृप्त हो गए। भोजन करने के बाद उस महात्मा जी ने कहा कि इस गुफा में बहुत सारे महात्मा समाधि पूजा पाठ में लीन हैं। आप लोग अब इस गुफा में इससे आगे नहीं जा सकते। मैं तो इन दिव्य गुरुओं का एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ, जो इन सबकी सेवा में लगा रहता हूँ। उस दिव्य महात्मा ने यह भी बताया कि वे काशी के पास के रहने वाले हैं और बचपन में ही संसार त्याग कर हिमालय में आ गए थे, और काफी भटकने के बाद एक दिन एक महात्मा उन्हें इस गुफा में लेकर आए, तब से वे वहीं हैं और महात्माओं की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें इस गुफा में आए लगभग 500 साल से अधिक हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी अन्य गुरु महात्मा की नजर आप सब पर पड़ गई, तो आप लोग भस्म भी हो सकते हैं, क्योंकि न चाहकर भी कोई आम इंसान प्राणी इन दिव्य महात्माओं के दिव्य नेत्र से जलने से नहीं बच सकता। हम लोग कुछ बोलें इससे पहले ही उस महात्मा ने कहा कि आप लोग आंख बंद करें। हम सभी लोगों ने उस दिव्य महात्मा के आदेश का पालन करते हुए अपने नेत्रों को बंद कर लिया। फिर उस महात्मा की आवाज आई, अब आप लोग अपनी आंख खोलें। चमत्कार, अद्भुत अविस्मरणीय चमत्कार। जब हम लोगों ने आंखें खोली तो अपने आप को हिमालयी क्षेत्र में उस बस्ती के पास खड़े पाए जहां हम लोग ठहरे हुए थे। आप भले माने या न माने, बहुत सारे चमत्कार रहस्यमय बातें हैं जिन पर विज्ञान का वश नहीं चलता, और मुझे आज भी लगता है कि उस भूतकाया का हमारे सामने आना कोई अदृश्य शक्ति से कम नहीं था।